हे फ्रेंड्स, आई एम श्रद्धा एंड आज मैं बताने वाली हूँ कि हम घर पे फुल्की रोटी कैसे बनाएं। तो फुल्की रोटी बनाने के लिए सबसे पहले हमने 1 टेबलस्पून मिल्क लिया है, यानी दूध है कि रेगुलर मिल्क है। और इस 1 टेबलस्पून में हम 1 कप, जो आप कप की साइज़ मेरी देख रहे हैं, इसमें हम मिक्स कर लेंगे दूध और पानी को अच्छे से। और ये वो पानी है जिससे हम अपने आटे को यानी फ्लोर को नीट करेंगे, गूँथेंगे। तो अभी हमारा मिक्सर रेडी है और ये आटा है, ये प्लेन आटा है, रेगुलर गेहूं का आटा। इसमें हम थोड़ा थोड़ा करके, जो हमने दूध और पानी का मिक्सर रेडी किया है, वो थोड़ा थोड़ा करके आटे को अच्छे से एकदम सॉफ्ट मुलायम गूंथ के यानी मार के तैयार कर लेना है। और जितनी अच्छी मुलायम आटा हमारा तैयार होगा गूंथ के, उतना ही अच्छा मुलायम सॉफ्ट और एकदम फुल्की जैसी रोटी हमारी घर तैयार होगी, जो कि खाने में बहुत ही यमी होती है। चाहे दाल सब्जी किसी के भी साथ खाते हैं, बहुत ही यमी होती है, बहुत ही टेस्टी लगती है। तो घर पे एकदम फुल्की, जनरली क्या होता है कि लोग जब फुल्की बनाते हैं तो कभी वो फूलती नहीं है या टाइट हो जाती है। तो अगर आप इस तरीके से आटा गूंथते हैं और फिर जैसा मैं बता रही हूँ उस तरीके से करेंगे इस मिक्सचर के साथ, तो आपकी जो फुल्की है वो डेफिनेटली फूलेगी और बहुत ही सॉफ्ट, बहुत ही टेस्टी बनेगी। तो इसे हम आटे अच्छे से मसल के एकदम सॉफ्ट करके तैयार कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं अभी हमारा आटा जो है वो गूंथ के तैयार है। मैं इसे थोड़ा सा और अभी अबाउट 5 मिनट तक इसको एकदम मसल मसल के अच्छे से, थोड़ा सा हाथों में जोर देना पड़ता है इसके लिए, तो थोड़ा सा इसको मसल मसल के अच्छे से एकदम से सॉफ्ट कर लेना है। बहुत ही एकदम सॉफ्ट, जब आप छुएंगे तो आपको खुद फील होगा कि आपका आटा जो गूंथ के तैयार है वो काफ़ी सॉफ्ट है। तो देखिए, और इससे रोटी डेफिनेटली आप खुद ट्राई करेंगे तो आपको पता चलेगा, उसका रिज़ल्ट मिलेगा, आपकी रोटी जो है वो बहुत ही बढ़िया, बहुत ही अच्छी तैयार होगी, एकदम सॉफ्ट सॉफ्ट सी फुल्की। तो अभी हम इसे थोड़ी देर और मिस लेंगे, एकदम सॉफ्ट कर लेंगे। तो देखिए हमारा आटा एकदम तैयार है, काफ़ी सॉफ्ट है। तो अभी मैं इसकी अब रोटियां बनाऊंगी। पहले मैं अपना जो हैंड है वो अच्छे से वॉश कर लूँ, उसके बाद तब तक कि ये 5 मिनट में एकदम सेट भी हो जाएगा अच्छे से, फिर मैं इसकी रोटियां बनाऊंगी। तो अभी अबाउट 2 से 2.5 मिनट हुए हैं, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है। और मेरी हैंड जब तक मैंने वॉश किया तभी तक का छोड़ा था, तो 2.5 मिनट बाद मैंने लोइयाँ कर ली हैं छोटी छोटी पोर्शंस में। मैं आपको 2 रोटियां तैयार करके दिखाऊंगी, तो आप इसे ज़रूर ट्राई करें। छोटे छोटे पोर्शंस में मैंने रोटियां गोल गोल लोई तैयार की है, इसे मुझे बेलना है। थोड़ा सूखा आटा मैंने बचा के रखा था और आप देख सकते हैं तवा भी मैंने फ्लेम पर चढ़ा दिया था कि हमारा तवा जो है वो गर्म रहे जब मेरी रोटियां बेल के तैयार हों। और इसे मैं बेल लूँगी अच्छे से। आप किसी भी शेप में किसी भी साइज़ में, जनरली गोल अच्छी लगती है, बट अगर आपसे गोल नहीं हो रहा हो, आप बिगिनर हो, तो आप किसी कटोरी, बड़ी कटोरी की हेल्प से उसको काट के भी परफेक्ट गोल कर सकते हैं। तो अभी हमारा रोटी, दोनों रोटियां मैंने बेल के तैयार कर ली हैं और पहली रोटी मैं सेक रही हूँ। आपको कैसे सेकना है, जब आप एक तरफ, मैंने देखा आपने डाल दिया है, मुझे थोड़ी देर बाद वो रोटी नीचे से थोड़ी सिक गई है, आप देख सकते हैं थोड़ी थोड़ी फूल गई है, तो इस टाइम मैं पलट दूंगी इसे। बहुत ज़्यादा नहीं सेकना है और बहुत कच्चा भी नहीं रखना, जो आप देख रहे हैं इतनी सिक जानी चाहिए। और अभी मेरी दूसरी तरफ की भी सिक गई है और इसे अब मैं दूसरी रोटी रखूंगी और तवा हटा के इसे मैं गैस पे सेकूंगी। और आप देख सकते हैं ये तुरंत फूल गई है अच्छे से और काफ़ी सॉफ्ट भी है। तो इस तरीके से आप घर पे फुल्की तैयार कर सकते हैं, सॉफ्ट फुली फुली सी रोटियाँ। अभी मेरी पहली रोटी हो गई, मैं दूसरी भी सेम वे से आपको दिखाती हूँ। ये पहली तरफ से हो गई और दूसरी तरफ से भी अब मैं इसे गैस पे सेक रही हूँ। आप देख सकते हैं कि कितनी ज़्यादा वो फूली है रोटी। तो इस तरीके से बहुत आसान है, रोज़ रोटियाँ बनती हैं इंडियन किचन में और ये हमारा एक डाइट का बहुत ही मेन हिस्सा है। तो अगर आपको मेरी फुल्की रोटी पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें ये वीडियो जितना हो सके दूसरों से, सब्सक्राइब करें मेरा चैनल। और
जब कमेंट्स करें, आप अपनी कमेंट्स भी मुझसे शेयर कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में। थैंक यू वॉचिंग फॉर दिस वीडियो, एंड फुल्की रोटी ज़रूर बनाएं।